वही तमिलनाडु के दिंडुक्कल में ईडी के एक अधिकारी को एक डॉक्टर से 20 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया गया, जिसके बाद ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को डीडीएससी कार्यालय ले जाकर न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से उन्हें 15 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आरोप यह है कि ईडी अधिकारी अंकित तिवारी ने एक डॉक्टर से 20 लाख रुपए की रिश्वत ली थी। डीवीएससी के सूत्रों के मुताबिक ईडी अधिकारी को तब रोका गया जब वो महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन की नंबर वाली कार में 20 लाख रुपए नगद लेकर जा रहे थे। उसी दौरान वाहन चेकिंग अभियान चला रही डीवीएससी की टीम ने उन्हें रिश्वत की रकम के साथ गिरफ्तार कर लिया। 2016 बैच के अधिकारी अंकित तिवारी ने पहले गुजरात और मध्य प्रदेश में काम किया था और अभी मदुरई में तैनात हैं।